खत्म हुआ इंतजार, हम सफर के साथ गोड्डा जिले के रेल सफर की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के गोड्डा जिले से रेल परिचालन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आगामी 8 अप्रैल को रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोड्डा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गोड्डा रेलवे स्टेशन से सबसे पहले हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। बताया जा रहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गोड्डा जिले के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित अन्य लोग शामिल होंगे। आगामी कार्यक्रम को लेकर मालदा के DRM निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। गोड्डा से पहली ट्रेन चलेगी, जिसकी फ्लैगिंग रेल मिनिस्टर करेंगे रेलवे बोर्ड से, और यहां लोकल जो गणमान्य हमारे माननीय सांसद हैं और आसपास के जो भी सांसद हैं उनका उनको इन्विटेशन जाएगा, वो लोग भी यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। वो लोग हरी झंडी दिखा करके यहाँ से गाड़ी रवाना करेंगे। इलेक्शन में प्राइमरी हम लोगों ने ये देखा है कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं इमीडिएट गाड़ी चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अभी उसकी व्यवस्था हो जाएगी 8 तारीख से पहले, फिर 8 तारीख को यहाँ से गाड़ी पहली गाड़ी चलेगी। टिकट कब से मिलना स्टार्ट होगा? टिकट भी 8 तारीख से मिलना शुरू होगा। वैसे रिजर्व टिकट तो हमारे यहाँ पर एक नन रेल हेड के प्यारस गोड्डा में है, वहाँ से बिक रहा है और दूसरे लोकेशन से भी बिकेगा। ये मंडे से इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और मंडे से भी टिकट भी मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल कौन सी ट्रेन चलेगी सर? पहली अभी हम सफर चलाने की बात चल रही है। हाँ, उसके बाद सर? उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनें बढ़ाई जाएगी। उसका कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा हम सफर का? स्टॉपेज अभी हम लोग देख रहे हैं, वही एग्जामिन कर रहे हैं कहाँ कहाँ स्टॉपेज। टाइम टेबल अनाउंस हो गया? टाइम टेबल अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जो भागलपुर से जो टाइम में जिस टाइम में चलती है उसी टाइम को मैच करके यहाँ से चलाया जाएगा। क्या मंत्री भी का प्रोग्राम है यहाँ पे? मंत्री जी रेलवे बोर्ड से फ्लैगिंग करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।